हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोए ग्रो। सो फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन एंटोमोलॉजी। इसका टाइटल है पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। ये सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एंटोमोलॉजी के और भी लेक्चर्स लिए थे थर्ड सेमेस्टर के, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है पेस्ट ऑफ मैंगो। इस लेक्चर में हम मैंगो में लगने वाले पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंगो में टोटल बहुत सारे पेस्ट का इन्फेस्टेशन होता है, लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट पेस्ट पढ़ने वाले हैं। ये मैंगो की इम्पोर्टेंट पेस्ट है, क्योंकि अरुण काथियान बुक में भी इनका नाम दिया हुआ है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गोएग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। गोएग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स के पीडीएफ भी आपको गोएग्रो ऐप पर मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप। एंड इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे वहां पर शेयर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मैंगो के दो पेस्ट पढ़ने वाले हैं, मैंगो लीफ होपर एंड मैंगो मिलीबग। इसके बाद नेक्स्ट में हम मैंगो के बाकी पेस्ट पढ़ेंगे, मैंगो साइला एंड फ्रूट फ्लाई। सो सबसे फर्स्ट पेस्ट है मैंगो लीफ हॉपर। इसका साइंटिफिक नेम है एम्ब्रिटोडस एटकिनसोनी और इसकी फैमिली है सिकेडिलिडी। इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा। अब जैसे ही हम हेमिप्टेरा ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले से ही हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए, जैसे कि हेमिप्टेरा ऑर्डर के सभी इंसेक्ट्स में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनकी इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल होती है, मींस इनकी लाइफ साइकिल में ओनली 3 स्टेजेस प्रेजेंट होती है, एग, निम्फ और एडल्ट की। और इनमें निम्फ और एडल्ट दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होता है इन्फेस्टेशन के लिए। इसके अलावा इनमें सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल सैप को सक करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक फीचर होता है कि ये हनी ड्यू लाइक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। सो ये था हेमिप्टेरा ऑर्डर की बात। सो हेमिप्टेरा ऑर्डर में जो भी पेस्ट आएंगे, सो उसके लिए हमें ये कुछ कॉमन पॉइंट्स याद रखने हैं। सो आगे बात करते हैं होस्ट प्लांट, मींस ये पेस्ट किस क्रॉप पर इन्फेक्शन करता है। सो ये पॉलीफेगस पेस्ट है, मींस ये मैंगो के अलावा बाकी दूसरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर भी इन्फेस्टेशन करता है। सो अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पेस्ट इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार सभी जगह पर मिलता है। नाउ डैमेजिंग स्टेज। सो इसकी लाइफ साइकिल की कौन सी ऐसी स्टेज है जो डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें निम्फ और एडल्ट दोनों ही इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट है साइट ऑफ ओविपोजिशन। एग लेइंग ये फ्लावर शूट और टेंडर लीव्स पर करता है, मीन्स प्लांट्स में जो यंग लीव्स आती है और जो फ्लावर शूट होते हैं उन पर ये एग लेइंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल। सो जैसा कि हम जानते हैं, इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और पार्शियल मेटामॉर्फोसिस मिलता है। इनमें लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस प्रेजेंट होती है, एग, निम्फ और एडल्ट। सबसे पहले एग 7 to 10 डेज के अंदर हैच आउट हो जाते हैं, मींस इंक्यूबेशन पीरियड इनका 7 to 10 डेज का होता है और 7 से 10 दिन के बाद ये निम्फ के अंदर डेवलप हो जाते हैं। निम्फ इनमें विंगलेस होते हैं, मींस इसमें पंख नहीं प्रेजेंट होते हैं और इनमें 5 टाइप से मोल्टिंग होती है।
इनका ब्राउन कलर होता है जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद 21 से 28 दिन के बाद इनमें 5 टाइम्स मोल्टिंग होती है और इसके बाद निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एडल्ट की ट्राइंगुलर बॉडी शेप होता है जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। इनका कलर डल होता है और इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये लाइट अट्रैक्टिव होते हैं, मीन्स ये डाइयूर्नल टाइप की इंसेक्ट हैं। नाउ एडल्ट 3-4 डेज के बाद एग लेइंग करता है और फिर से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। इसके बाद जनरेशन की बात करें तो इसमें 1 साल में 2 जनरेशंस होती हैं। सो ये थी इनकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है डैमेजिंग सिम्टम। सो इसमें नीम्फ और एडल्ट दोनों ही सेल सेप को सक करते हैं, मीन्स ये यंग लीफ टेंडर शूट फ्लावर के सेल सेप को सक करते हैं जिसकी वजह से इनमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है और लीव्स और फ्लावर्स सूख कर नीचे गिर जाते हैं। ये डैमेज ज़्यादातर फ्लावरिंग सीजन में ही होता है। यहाँ पर फ्लावर्स और फ्रूट बिना मैच्योर हुए जल्दी ही गिर जाते हैं, मीन्स ये इनकी इमेच्योर स्टेज में ही गिरने लगते हैं। इसके अलावा ये हनी ड्यू लाइक सिक्रीशन करता है जिसकी वजह से वहाँ पर कैप्नोडियम मैग्नीफेरम सूटी माउल्ड ग्रो करने लगती है और लीफ ब्रांचेस और फ्रूट्स पर ब्लैक कलर दिखने लग जाता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। ये फ्रूट सेटिंग को भी अफेक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स और फ्रूट्स इमेच्योर स्टेज में ही गिरने लगते हैं। सो ये थी इनकी डैमेजिंग स्टेज। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रोल मेजर्स दिए हुए हैं कि इन पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिस में फर्स्ट है कीप ऑर्चिड्स क्लीन, मीन्स ऑर्चिड्स को साफ रखना चाहिए और हाई डेंसिटी प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए, मीन्स ट्रीज के बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि हम उन्हें अच्छे से मॉनिटर कर सकें। सेकंड है अवॉइड वाटर लॉगिंग। फील्ड में वाटर फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए। थर्ड है प्रून ब्रांचेस रेगुलरली। हमें पेड़ों की छटाई कर देनी चाहिए ताकि डेंसिटी कम होगी और हम अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल प्रैक्टिसेस। केमिकल प्रैक्टिसेस में यहाँ पर हम स्प्रे करते हैं। फर्स्ट है बडिंग स्टेज के टाइम पर साइपरमेथ्रिन से 10 EC 0.01% से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे जब फ्रूट सेटिंग हो जाती है उस समय पर कार्बोनील 50 WP 0.1% से या फिर NSKE 4% से स्प्रे करना चाहिए। और थर्ड स्प्रे मीन्स सेकंड स्प्रे के 2 वीक बाद हमें थर्ड स्प्रे करना चाहिए इमीडिएट क्लोरोपेरिट और 17.8 SL एट द रेट ऑफ 3 ml पर 10 hr से स्प्रे करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैंगो लीफ हॉपर। इसके बाद नेक्स्ट पेस्ट है मैंगो मिली बग। मैंगो मिली बग, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसिका मैग्नीफेरा। इसकी फैमिली है सूडोकॉसिडी एंड ऑर्डर है हेमिप्टेरा। अगर हम इसके होस्ट की बात करें सो ये एक पॉलीफेगस फेस पेस्ट है, मींस ये ऑलमोस्ट सभी फ्रूट ट्रीज पर इन्फेस्टेशन करता है। नेक्स्ट है डैमेजिंग स्टेज। इसकी डैमेजिंग स्टेज होती है निम्फ और एडल्ट। सो जैसा कि हम जानते हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर में डैमेजिंग स्टेज होती है निम्फ और एडल्ट, लेकिन मिली बग में एक एक्सेप्शन होता है और एक डिफरेंस है कि यहाँ पर ओनली एडल्ट फीमेल ही इन्फेस्टेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सो मेल नीम्फ और फीमेल नीम्फ दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में ओनली फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती है। नाउ साइट ऑफ ओविपोजिशन की बात करें सो ये एग लेइंग करता है सॉइल के अंदर, मीन्स ये कुछ पाउचेस बनाते हैं और सॉइल के अंदर ओविपोजिशन करते हैं। यहाँ पर इंसेक्ट सॉइल में पाउचेस बनाकर एग लेइंग करता है और जब एग्स हैच आउट हो जाते हैं तब एग्स निम्फ में डेवलप हो जाते हैं और निम्फ को
क्रोलर्स बोलते हैं, और ये क्रोलिंग करके सोयल से बाहर निकलकर ट्री ट्रंक पर चढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, और फिर ये लीव्स ब्रांचेस पर आकर सकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मींस ये लीफ और फ्लावरिंग शूट के सेल सैप को सक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर्स और फ्रूट्स इमेच्योर स्टेज में ही गिरने लग जाते हैं। सो अगर हम इनकी नेचर ऑफ डैमेज की बात करें, तो यहाँ पर निम फॉर एडल्ट फीमेल टेंडर शूट लीफ ब्रांचेस से सेल सैप को सक करती है, और सक करने के बाद वो हनी ड्यू लाइक सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, और उस पर ब्लैक सूटी मोल्ड ग्रो करने लगती है, जिसकी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है, और फ्लावर्स और फ्रूट्स भी इमेच्योर स्टेज में ही गिरने लग जाते हैं। सो ये था इसका डैमेजिंग सिम्टम। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलता है, जिसमें थ्री स्टेजेस प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि फीमेल्स तो थ्री स्टेजेस में ही मिलती है, लेकिन मेल के अंदर फोर स्टेजेस प्रेजेंट होती है। सो इनकी लाइफ साइकिल को हम इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले एग तो फीमेल सॉइल में ही लेइंग करती है, और ये एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर को बनाती है, जिसके अंदर वो एक टाइम पर 300 से 400 एग्स को स्टोर करती है, और ये पिंक कलर के होते हैं। इसके बाद एग्स 6 to 7 days में हैच आउट हो जाते हैं, और फीमेल में ये निम्फ में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट इंस्टार लावा, सेकंड इंस्टार एंड थर्ड इंस्टार लावा में एडल्ट बन जाता है। सो सेकंड इंस्टार तक मींस सेकंड मोल्टिंग के बाद लाइफ साइकिल मेल और फीमेल में अलग-अलग हो जाती है। तो सेकंड इंस्टार लावा से पहले मेल और फीमेल में लाइफ साइकिल दोनों में ही सेम रहती है। मतलब सेकंड इंस्टार लावा में मेल और फीमेल में ही कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकेंड इंस्टार लावा के बाद 2 महीने बाद फीमेल ब्राउन कलर की होती है, और ये थ्री मोल्टिंग के बाद डेवलप होती है। लेकिन मेल में निम्फ प्यूपा में कन्वर्ट होता है, मींस ये एक वैक्स को सिक्रीट करता है और अपनी बॉडी को उससे कवर कर लेता है। इसके बाद प्यूपा एडल्ट में डेवलप हो जाता है। सो मेल के अंदर यहाँ पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है, और फीमेल के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल मेजर्स। इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट है डिगिंग ऑफ सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर फीमेल एग लेइंग सॉइल में ही करती है, तो उन्हें एक्सपोज करने के लिए कुछ सेंटीमीटर तक सॉइल को खोद दिया जाता है, और या फिर इसके अलावा हम अगर 5% मैलेथियन डस्ट को भी स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड है यूज़ ऑफ ग्रीस बैंक। सो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेजर्स है, कि जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर एग्स सॉइल में होते हैं, और निम्फ जब डेवलप हो जाते हैं, वो सॉइल से ट्रंक से सहारे क्रॉलिंग करके ब्रांचेस तक पहुंच जाते हैं। सो उन्हें कंट्रोल करने के लिए ट्री ट्रंक पर हम कुछ ऑयली सब्सटेंस जैसे कि ग्रीस वगैरह को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से निम्फ क्रॉलिंग नहीं कर पाते हैं, और इस मेथड को बैंडिंग बोलते हैं। थर्ड है स्प्रेइंग ऑफ 0.03% मोनोक्रोटोफोस। फोर्थ है इसे कंट्रोल करने के लिए हम लेडी बर्ड बीटल को एट द रेट ऑफ 1200 बीटल्स पर हेक्टेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने दो पेस्ट पढ़े, मैंगो लीफ होपर एंड मैंगो मिली बग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मैंगो साइला और मैंगो फ्रूट फ्लाई को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।